हेलो गाइस, आई एम सुमेर पुदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सॉल्यूशन सो इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो लेट्स डू इट सो गाइज सॉल्यूशन के हमने हर एक वीडियो को थॉरली कवर किया है इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैट देन यू कैन चेक आउट हेयर

and that is delta Tf is equal to Kf into m. So is video mein इस वीडियो में हमारा ki ये होगा कि हम इस aur तक formula और इस karne को liye करने के लिए हमें जितनी चीजें पता होनी चाहिए वो हम by करेंगे to ye hoga तो is होगा हमारे इस वीडियो का अप्रोच तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग प्वाइंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फ्रीजिंग प्वाइंट का घटना तो मेरे पास एक लिक्विड होता है और उस लिक्विड में हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे तो इंप्योरिटीज ऐड करने के कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा सो यहां पे हम विटनेस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वेरी वेरी क्विकली अब इसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं थॉरोली अब इसी चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे सो so अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं और लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट सो हमारे पास वाटर है और जब हम इस वाटर को फ्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है आइस वाटर को फ्रीज करने पे आइस मिलता है अब ये जो वाटर है ये आइस फॉर्म में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू होता है एंड दैट टेम्परेचर इज जीरो डिग्री सेल्सियस यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट So, ये था इसका क्रूड डेफिनेशन अब इसको समझते हैं हम डिटेल में सो so, यहां पे जो एरो है इसको हम चेंज करते हैं डबल एरो से सो so, इसका ये मतलब हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम पे हो यानी कि जितना लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सॉलिड वापस लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा सो so, ये होता है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे लिक्विड और सॉलिड दोनों ही इक्विलिब्रियम पे हों सो so, उस पॉइंट को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट अब इसी चीज को मैं यहां पे ग्राफिकली देखूंगा तो एक पार्ट है मेरे पास वेपर प्रेशर और दूसरा पार्ट है टेम्परेचर अब यहां पे जो मैं ग्राफ देखूंगा उससे मुझे मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट सो ये है मेरा पहला कर्व और ये है सॉलिड का कर्व अब ये कर्व मुझे ये बता रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे सॉलिड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है अब इसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड कव अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते ये हुआ कि हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया सो हमारे को दोनों कर्व मिल गए एक है सॉलिड का कर्व और एक है लिक्विड का कर्व और इसके बीचों बीच एक पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट इस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इक्विलिब्रियम पे है सो so, ये पॉइंट क्या हुआ ये पॉइंट हुआ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सो ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट अब इस फ्रीजिंग पॉइंट पे हम देखेंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर सो so, ये जो वेपर प्रेशर है ये है वो वेपर प्रेशर जिसपे हमें मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट और यहां पे जो टेम्परेचर है ये है हमारा टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सो मुझे इस ग्राफ से मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर अब चलते हम आगे अब हम यह समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ तो यह है मेरा प्योर लिक्विड और इस प्योर लिक्विड का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा लेट से कि यह हमारा वाटर है इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस यानी कि ये लिक्विड जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है अब आता है हमारा दूसरा केस तो ये है मेरा लिक्विड और इसमें हमने मिलाया है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो वैसे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो अब इसे फ्रीज करना मुश्किल हो जाएगा वैसे तो वाटर जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता था बट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण अब ये फ्रीज होगा माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पे यानी कि इसे फ्रीज करना काफी मुश्किल हो गया वी आर विटनेसिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे घटा है जिसके कारण से इस वाले को फ्रीज करना मुश्किल है और इस वाले को फ्रीज करना आसान है अब इसे हम टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं जो मेरा प्योर लिक्विड है उसको मैं कहूंगा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए और ये है हमारा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं सिंबल एस अब इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए हम यूज करते हैं ए और सॉल्यूट के लिए हम यूज करते हैं बी सो so ये है हमारा सॉल्यूशन। अब हम दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एक सिंबल असाइन करते हैं तो सॉल्वेंट के लिए हम यूज करेंगे टी ए एफ ए का मतलब होता है सॉल्वेंट एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यह है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम सॉल्यूशन के लिए देखते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे टी एस एफ एस का मतलब सॉल्यूशन और एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यह है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मैंने एक एक सिंबल असाइन कर दिया है अब आगे हम इन्हीं को यूज करेंगे तो ये था मेरा ओरिजिनल टेम्परेचर पर नॉन वॉलटाइज सॉल्यूट ऐड करने के कारण मुझे ये टेम्परेचर मिला सो यू कैन सी कि अब हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट चुका है तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ तो फ्रीजिंग पॉइंट के ग्राफ को समझने के लिए हम दोबारा यूज कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ तो सबसे पहले हम प्योर सॉल्वेंट के लिए देखते हैं हम अपने प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ देखते हैं सो so, हमने वेपर प्रेशर का ग्राफ देखा है सो so, इसका ग्राफ होता है इस तरीके का पहले हमारे पास आता है सॉलिड का कव फिर उसके बाद आता है लिक्विड का कव और इसके बीच में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट तो ये है हमारा सबसे पहला कव ये है सॉल्वेंट का कर्व ये मेरे प्योर सॉल्वेंट का कर्व है जिसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है आप देख रहे हैं हम अपना दूसरा कर्व ये वो वाला कर्व है जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है यानी कि हमारे सॉल्यूशन का कर्व सो अब आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पे सॉलिड का कर्व छोटा है और लिक्विड का कर्व आ जाता है जल्दी तो ये है मेरा सॉल्यूशन का कर्व मेरे सॉल्यूशन का कर्व इस तरीके का दिखेगा तो आप यहां पे देख सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड इस पॉइंट पे कौन साइड कर रहे हैं तो ये है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट सो यू कैन सी कि अब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया है सॉल्वेंट के लिए मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है इधर और सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है इधर अब दोनों को जब हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से तब जाके हमें मिलेगा दोनों का फ्रीजिंग टेम्परेचर तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन का देखता हूं यह है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट तो यह है मेरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर तो इसे हम लिखेंगे टी एस एफ यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब हम देखते हैं सॉल्वेंट कर्व के लिए तो सॉल्वेंट कर्व का फ्रीजिंग पॉइंट है ये। तो यहां पे मुझे मिलेगा सॉल्वेंट कर्व का फ्रीजिंग टेम्परेचर तो इस टेम्परेचर को मैं लिखूंगा टी ए एफ यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था मेरा ओरिजिनल टेम्परेचर पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के कारण मुझे ये टेम्परेचर मिला यू कैन सी कि ये हमारा टेम्परेचर घट चुका है पहले टेम्परेचर ज्यादा था बट अल्टीमेटली हमारा टेम्परेचर घट गया अब इसी चीज को हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी एफ से और ये डेल्टा टी एफ ही हमें बताएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में इस डेल्टा टीएफ से मुझे पता चलेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट है सो so डेल्टा टी एफ का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डेल्टा टीएफ होगा सॉल्वेंट टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन टेम्परेचर तो जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा जब मैं सॉल्वेंट के टेम्परेचर को सॉल्यूशन के टेम्परेचर से माइनस करूंगा तब जाके मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा सो so, सॉल्वेंट का टेम्परेचर है टी और सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा टीएसएफ तो दोनों को हमने यहां पे लिख दिया सो so, आप यहां पे भी देख सकते हो ग्राफ में जब आप टी को T.S.F से माइनस करोगे तभी जाके आपको डेल्टा टी एफ मिलेगा सो so, यहां से हमें डेल्टा टी एफ मिल गया एंड दैट इज टी एफ माइनस टीएसएफ अब हम वापस देखते हैं अपना डायग्राम सो so, ये हमारा सॉल्यूशन जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो डेल्टा टी एफ हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो so, यहां पे आप देख सकते हो कि ये है वो पार्टिकल्स जिसके कारण से यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हुआ है तो पार्टिकल्स को हम एन से डिनोट कर देते हैं अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हुए सो आई विल विटनेस हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो इसमें जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप होगा अब यहाँ पे पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम मोलैलिटी को यूज करते हैं सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग मोलैलिटी तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जितना ज्यादा इसमें मोलैलिटी होगा उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में ड्रॉप होगा यानी कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम तो वापस हम अपने ग्राफ पे चलते हैं यहां पे मेरा जो डेल्टा टीएफ होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी अब डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इस चीज से मैं बनाऊंगा अपना फॉर्मूला तो यहां से मुझे हटाना है प्रोपोर्शनैलिटी और अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक कॉन्स्टेंट सो वी विल गेट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम प्रोपोशनैलिटी को हटाने के लिए हमारे को इधर एक के एफ मल्टीप्लाई करना पड़ा और इस के एफ को हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट सो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एंड दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम So, ये बन गया मेरा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अब हम इसका कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं अब हम आईसी इंजन के रेडिएटर का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे कार में आईसी इंजन होता है और उस आईसी इंजन को कूल cool डाउन करने के लिए हमें रेडिएटर की जरूरत पड़ती है सो so, ये जो रेडिएटर होता है दैट इज कूलर ऑफ आईसी इंजन अभी जो रेडिएटर होता है ये वाटर पे वर्क करता है और वाटर के बारे में हमें पता है कि ये जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और अगर ये वाटर फ्रीज हो जाएगा तो रेडिएटर वर्क नहीं कर पाएगा सो दैट्स वाई दिस रेडिएटर स्टॉप्स वर्किंग तो यहां पे लगता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है अब क्योंकि वाटर जल्दी फ्रीज हो जाता है वाटर तो में हम कुछ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं जिसके कारण से वाटर फ्रीज ना हो तो यहां पे हम वही काम करते हैं हम यहां पे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ऐड करते हैं हम वाटर के साथ एंटी फ्रीज सोल्यूशन ऐड करते हैं और ये जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है दैट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो हमारे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कौन से होते हैं एग्जाम्पल के लिए इथाइलीन ग्लाइकॉल सो दिस इज आवर फेमस एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो वाटर को फ्रीज नहीं होने देता तो यहां पे है मेरे पास दो टेम्परेचर एक है जीरो डिग्री सेल्सियस और एक है माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस। वैसे तो वाटर जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता था बट एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एड करने के कारण अब ये फ्रीज होगा माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हो गया है पहले इसको फ्रीज करना ईजी था बट अब इसे फ्रीज करना डिफिकल्ट है सो हैव वी आर विटनेसिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कारण अब सब जीरो वेदर में भी वाटर फ्रीज नहीं होगा और अगर वाटर फ्रीज नहीं होगा तो रेडिएटर प्रॉपरली वर्क करेगा और अगर रेडिएटर प्रॉपरली वर्क करेगा तो आईसी इंजन भी प्रॉपरली वर्क करेगा सो गाइस ये था सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फिजिंग पॉइंट टॉपिक और इसको हमने किया है विथ एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो आई एम सुमीर पुदार एंड यू आर वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो